नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे गेहूं की उन्नत प्रजातियां। हर किसान के पास अलग अलग संसाधन, जमीन, पानी की व्यवस्था अलग अलग होती है। उसके हिसाब से किसान भाई गेहूं की अपने संसाधनों के हिसाब से कौन कौन सी किस्में अपना सकते हैं जिससे उनका उत्पादन अच्छा हो सके। तो गेहूं की जैसे वर्षा आधारित किस्मों की अगर हम बात करते हैं, उसमें C306 है जो कि एक पानी में भी किसान भाई ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीमित सिंचाई में कौन कौन सी किस्में हो सकती है जिनसे किसान भाई अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सीमित सिंचाई में DBW 110 वेराइटी है, HI 1605 है, पूसा उजाला है। ये दोनों किस्में सरबती में हैं और इनकी जैसे पूसा उजाला की अगर हम बात करें तो HI 1605 पूसा उजाला एक पानी से लेके 3-4 पानी तक भी होती हो। अगर हम जैसे एक पानी में C306 की अगर बात करते हैं, उसके बाद अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो उसमें लॉजिंग गिरने की समस्या आ जाती है और हाइट ज़्यादा हो जाती है। बाकी पूसा उजाला HI 1605 में ये ऐसा नहीं होता है। ये कोई लिमिटेड इरिगेशन के लिए नहीं है, एक पानी से लेकर 4 पानी तक ये हो सकती है। उत्पादन उस हिसाब से इसका बढ़ता है। जैसे हम बात करें एक पानी में, तो एक पानी में 12 से 14 क्विंटल तक इसका उत्पादन होता है। वहीं अगर किसान भाई के पास अगर दूसरा पानी होता है तो ये 17-18 क्विंटल तक एक एकड़ में इसका एवरेज हो जाता है। वहीं अगर तीसरे पानी की भी संभावना बन जाती है तो ये 20 क्विंटल प्रति एकड़ के ऊपर हो जाती। वैसे ही सिंचित अवस्था में भी नई नई किस्में, अच्छी उत्पादन देने वाली किस्में आ चुकी है, जिसमें हम लेटेस्ट वेराइटी जो नई किस्में हैं, जैसे बात करते पूसा तेजस की। पूसा तेजस ड्यूरम वेराइटी है, कठिया गेहूं है, इसकी उत्पादन क्षमता अधिक है और इसका जो है उत्पादन 28 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक किसानों के हमने खेतों पर देखे हैं और उत्पादन के मामले में सबसे अच्छी वेराइटी। अभी इसको 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है और ये 130-135 दिन के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। इसी के बाद इससे एक और वेराइटी है HI 8713 पूसा मंगल, उसकी क्षमता भी 28 से 33-32 क्विंटल तक उसकी भी क्षमता है प्रति क्विंटल एकड़ के हिसाब से। 4 से 5 पानी की आवश्यकता इसको भी लगती है, कठिया गेहूँ है। और इसके बाद एक और वेराइटी है HI 8663 पोषण किस्म भी 125-130 दिन में आ जाती है। पोषण वेराइटी की खासियत यह है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसका उपयोग खाने के पर्पज़ से भी हम कर सकते हैं। इसकी रोटी नहीं बनती है, इसको हम दलिये के रूप में हम पूरे परिवार को हम उसका उपयोग दलिये के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन होता है और आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पोषण HI 8663 पोषण किस्म है, HI 8713 पूसा मंगल किस्म है, HI 8759 पूसा तेजस किस्म है। ये सारी कठिया वेराइटी है सिंचित अवस्था में। इसके अलावा अगर सिंचित अवस्था में हम अगर बात करें सरबती में, तो उसमें हम नई किस्में हैं HGW 451 गुजरात की किस्म है, अच्छी वेराइटी है। इसका उत्पादन भी 25 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से देखा गया है, उसकी अवधि 125 से 130 दिन के आसपास है। तो किसान भाई को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि अभी हम जो भी घर का बीज उपयोग करते हैं, पूरा नई किस्मों के ऊपर अगर हम नहीं जा रहे हैं, प्रमाणित बीज का उपयोग नहीं करते हैं, तो उससे हमारा उत्पादन गिरता है और जिस तरीके से बीमारियों का भी प्रकोप होता है वो पुरानी किस्मों में वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं बची है। तो किसान भाई नई किस्मों को अपनाएं और प्रमाणित बीज का उपयोग करें जिससे वो अपना उत्पादन बेहतर कर सके। धन्यवाद।